मोदी मार के आना जी भावें सू साल लग जाए अपने हक लैके आने जी उस तरह नहीं मुड़ते अपनी जिंदगी तो की चंगा जी सा जमीन ना बचिया तो अं की कर लाभ जी के साथ बच्चे रुल जाएंगे इस वास्ते हूँ हार के नहीं उन्हें जित के आना अपना अमन शांति के नाल सानू दिल्ली जान देंदा हरियाणे कोलों ते साडी कोई मंग ही नहीं सी इह सख्ती करके रोकदा सी इहदे बार्डर बूडर कोई करसाना अगे टिके नहीं है असी तोड़ दिल्ली जा के प्रधानमंत्री नू अपनी सारी गलबात सुना के फिर वापस आवांगे इह कोई हुण लारियां लप्पियां नाल टलण वाली गल नहीं है। इस समय हरियाणे के अलग अलग बार्डर से जो प्रेजेंट स्थिति है ईवन पंजाबी चैनल पल पल की जी प्रेजेंट स्थिति है उस तो जाणू करवा रहा है। जे गल करिए खनौरी बार्डर की तो खनौरी बार्डर तो भी बहुत सारे किसान जड़े है वह दिल्ली वाल कूच करते नजर आ रहे हैं और अज सवेर तो ही पंजाब के अलग अलग पिंडां ते शहरां तो किसान जथेबंदियां का हौसला वधाउण वास्ते होर भी बहुत वड्डी तादाद दे विच किसान मजदूर इकट्ठे होकर उन्हां दा साथ देण लई तैयार बर तैयार ने। लेकिन खनौरी दे बार्डर इस समय की की स्थिति है और खनौरी बॉर्डर की पल पल की जी खबर है वह सानू गुलजार मल्ली द्वारा भेजी जा रही है और विशेष तौर पर दसना चाहता कि गुलजार मल्ली ने कुछ किसानों नाल गलबात भी की है और उन्होंने मोदी नू और मोदी सरकार के उन्होंने मंत्रियों बारे की शब्द इस्तेमाल किए ने आओ सुनते हैं। मेरा नाम मनजीत सिंह है पिंड तईपुर की कहना चाहते जो हरियाणा के इंटर होने जा रहे हो मोदी मार के आना जी भावें सू साल लग जाए अपने हक लैके आने जी उस तरह नहीं मुड़ते साढ़े पिंडों सत्त ट्रालियां तोरती लंगर सारा अपने कोल ये गल की साढ़े को घाट नहीं हैगी हरियाणा पुलिस कहती थी बड़े प्रबंध कि गए पत्थर पुत्थर कल तोड़ के मारे बिच खताना के नौजवान मुंडिया ने कोई सानू किसी का खतरा नहीं पुलिस का ना किसी का अपनी जिंदगी तो की चंगा जी साढ़े जमीन ना बचिया तो अं की कर लाभ जी के साथ बच्चे रुल जाएंगे इस वास्ते हूँ हार के नहीं उन्हें जित के आना काफला जी पिछे और आ रहा जी काफला अभी खनौरी के जी काफला काफले वाला कोई अंत ही नहीं जी। मेरा नाम सरदूल सिंह है जी की कहना चाहते जो अब बार्डर क्रॉस कर रहे हो बार्डर तो क्रॉस करना दिल्ली जाना ही जाना संगत वेख लो लखा की गिनती जा रही ने जोड़ा हरियाणा सरकार ने यह गैर कानूनी लाए असी वैसे इन्हें लोकतंत्र की बहुत अपमान किया भाई अपना अमन शांति के नाल सानू दिल्ली जान देंदा हरियाणे कोलों ते साडी कोई मंग ही नहीं सी इह सख्ती करके रोकदा सी इहदे बार्डर बूडर कोई करसाना अगे टिके नहीं है इस तरह ही असी तोड़ दिल्ली जा के प्रधानमंत्री नू अपनी सारी गलबात सुना के फिर वापस आवांगे ये कोई हुण लारियां लप्पियां नाल टलण वाली गल नहीं है। ये जो किसानां दे विरुद्ध कानून बने ने ये वापस हुणे दे साडे घर तैयार पर तैयार बैठे ने जिहड़े सानू हर किस्म का राशन पानी जो भी चाहिए पिछों पड़ाणगे वह भी तैयार पर तैयार ने। सो मोदी सरकार नू हुण कंध ते लिखिया पढ़ लेना चाहिए सियाणा होवे ते वह भी लोकतंत्र का मान सन्मान करे ते अपने काले कानून वापस लै के जिवें भी जनता उन्होंने मंजूर नहीं कर रही तो कारपोरेट घराणियां दे हक च ना भुगते किसानां दे हक च भुगते ते सारे देश वास्ते इस गल का भला किसान देश भगत ट्रालिया की तो हम गिनती ही कौन नहीं जब गिनती हो जिमें साडे बाबे नानक ने आख्या ना संखा वाली कोई गल्लां ही इन्हां नूं कोई गिण सकदा किन्नियां कने इन्हां किन्ने हज़ार आखदा लख आखदा वह भी थोड़ियां ने लाइन ही नहीं टुट रही आ 20 किलोमीटर के लंबी लाइन लगी हुई कितने तक पहुंच गया काफला काफला तो अगे पड़ गया हरियाणे के बार्डर तो 10 किलोमीटर अगे तो अजय 10 किलोमीटर पिछे होर पिया आ और दोहरी लाइन लगी है जदों ये सिंगल होएगी ये 40 किलोमीटर लंबा भी हो जाने तो लैके नरवाणे तक पहुँच के ने हजे खनौरी के पिछे तक खड़िया ने ट्रालिया तो जिमें रात जथेबंदी ने कहा उस तो बाद हुण 11:30 बजे का टाइम दिता से उदू बाद स्टार्ट किया जाना खुल गया तो असं दिल्ली तक पहुँचेंगे कि ट्राली लगती तो काफले काफले 10-15 हज़ार की ट्राली नेड़े होनी इस तो बद भावें हो घट नहीं हैगी कि संगत कि जिदा क्या यार 1.5 लाख के करीब संगत होगी कि लगता होगी। हाँ जी आराम नाल होएगी तुम काफला देख सकते हो ये कितों तो लैके कितों तक रहेगी हाँ जी अगे लाया हो इन्होंने जाम तो अगे रोकया हो बैरीकेड ला के इन्ना ही की खुशी महसूस करते बहुत ज़्यादा खुशी जी कि दिल्ली पहुँच के हटा जी
हाँ जी वो खुशी तो उदन होगी जिसने साढ़े मसले हल हो जाएंगे, बाकी ये भी जरूर साढ़े उत्साह जरूर है जान का। गोडिया तो बहुत दुखी सी, मेरे लिए तुरना फिरना भी इना औखा हो, मैं दस भी नहीं सकता, पर जब तो मैनू फिर रिलीफ मिले है 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके मोडे भी ओके। जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इस इस्तेमाल करो, सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक का इलाज कर सकता है। फिर रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी, मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दस्या, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया, ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से वो दोबारा आने लग गए, तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का सामना कर रहे हो तो यह तेल लाना ना भुलो। कितना कि असी अपने बालों करके शर्म फील करते हैं कि सोसाइटी बैठे कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री रिलीफ जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिसे लगान नाल मैं मार्केट से बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और ये मैं बड़ा फायदा होया, तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी तो वो भी मैं बड़ा रिलीफ मिले। ये यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।